हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मोना फूड एंड ट्रैवल में। और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी जितनी भी रेसिपीज हैं वो ज़रूर पसंद आ रही होंगी। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ चिंग्स चिली पनीर की रेसिपी, और ये मैं चिंग्स चिली का जो मसाला आता है उसी के थ्रू बनाऊंगी, और सेम इंग्रेडिएंट और जो भी चीज़ें उसमें बोली गई हैं उसी के तरीके से मैंने इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए और बनाया, और लास्ट में मैं आपको इसका रिव्यू भी दूंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने 250 ग्राम पनीर ले लिया है, जिस पनीर को मैंने बड़े बड़े पीसेस में कट करके उसमें 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर मिक्स किया है, और अच्छे से हर एक पीस को मैंने कॉर्नफ्लोर के साथ कोट कर दिया है। अब यहाँ पे एक पैन ले लेंगे, उसमें हम तिल का तेल या फिर आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई भी चाइनीज़ या इस टाइप की रेसिपीज बनाते हैं तो उसमें आप सीजम ऑयल यूज़ करें, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल ले लिया है, और उसको अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी मैं अपने पैन में, और उसके बाद मैं इसमें अपने पीसेस डालूँगी पनीर के जो मैंने कोट कर रखे थे कॉर्नफ्लोर में, और इनको मैं सेलो फ्राई कर लूँगी हर एक साइड से अच्छे से। आप इसे फ्राई कर लीजिए। सो इसी तरीके से हम हर एक पीस को हर तरफ से सेक लेंगे, मीन्स सेलो फ्राई कर लेंगे, ताकि उसमें जो है क्रिस्पीनेस हमारी पनीर में आ जाए। आप चाहें तो पनीर के पीसेस को डायरेक्ट भी डाल सकते हैं ग्रेवी में, और फिर भी अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप इस तरीके से करते हैं तो टेस्ट हमारा ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं पीसेस को बहुत ही आराम से, क्योंकि जैसे ही आप पनीर के पीसेस को ऑयल में डालेंगे वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं, तो उन्हें सावधानी से ही आप बदलें। पीसेस मेरे यहाँ पे फ्राई हो चुके हैं, तो अब मैं इन्हें अपने एक प्लेट में प्लेट आउट कर लूंगी। तो यहाँ पे मेरे पनीर रेडी हो चुके हैं, अब मैं चलूंगी ग्रेवी की तरफ। तो ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले तो हमारा जो ऑयल बचा है फ्राइज होके वही तेल हम यूज करेंगे, और उसके बाद जो है थोड़ा सा तेल अगर आपको और डालना है तो आप डाल सकते हैं। करीब 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे यूज किया है ऑयल। ऑयल को अच्छे से हीट कर लेंगे, और उसमें हम डालेंगे 2 TSP गार्लिक जो कि हमने फाइनली चॉप कर रखा है। थर्टी सेकेंड तक हम इस गार्लिक को अच्छे से सॉटे कर लेंगे, ज्यादा देर नहीं करना है, ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ इसका फ्लेवर हमें ऑयल में लेके आना है। इसके बाद मैं यहाँ पे अपना स्प्रिंग अनियन मैंने काट के रखा है, आप चाहे तो सिर्फ स्प्रिंग अनियन से भी बना सकते हैं, वरना एक अनियन भी कट कर सकते हैं इस तरीके के बड़े पीसेस में। साथ में मैंने यहाँ पे कैरेट यूज़ की है, उसको भी मैंने बड़े बड़े पीसेस में गोल सर्कल में काट लिया है। अब मैं इन्हें करीब 1 मिनट तक, 30 सेकेंड से 1 मिनट तक ही आप इसे जो है वो सॉटे करें, क्योंकि हमें इन सब रेसिपीज में अपने सब्जियों को जो भी हमारी वेजीज होती हैं उन्हें हमें ओवर कुक नहीं करना होता है। तो इसे हम अच्छे से सॉटे कर लेंगे, और ये सब जो प्रोसेस है वो हाई फ्लेम पे ही होगा। अब हम ऐड करेंगे कैप्सिकम, यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज का कैप्सिकम लिया है, और जिसे मैंने क्यूब शेप में काट के रख लिया था, इसे भी हम ऐड कर देंगे, और इसे ऐड करने के बाद हम इसे सॉटे करेंगे उस टाइम के लिए। अभी भी ये प्रोसेस जो है हमारा हाई फ्लेम पे ही चल रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये जो है वो हाई फ्लेम पे प्रोसेस चलेगा, क्योंकि जितना भी हमारा कुकिंग का टाइम है ये हमें सारा का सारा करीबन 2 मिनट्स मैक्सिमम हमें इसमें कुक करना होता है, सेफ्टी करना होता है, क्योंकि हमें अपनी रेसिपीज़ में, इस रेसिपी में एग्जैक्टली हमें जो हमारी सब्जियाँ हैं उन्हें हमें फुल्ली कुक नहीं करना होता है। ये हल्की सी क्रंचीनेस ही रहती है, और इसके बाद मैं यहाँ पे ऐड करूँगी थोड़ा सा वाटर, जिससे कि हमारे वेजिटेबल्स स्टीम्ड हो जाएं थोड़े से। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डायरेक्ट भी जो है अगला प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये प्रोसेस हाई फ्लेम पे ही होगा जैसे कि मैंने बताया, तो इससे जो है हमारे वेजिटेबल्स थोड़ी सी स्टीम्ड हो जाती हैं अगर आपको लगता है कि हमारी सब्जी ज़्यादा कच्ची रह गई है। पानी हमें यहाँ पे सिर्फ 2 TSP ही यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है पानी का। अब मैं यहाँ पे, जब तक कि मेरी सब्जियाँ स्टीम हो रही हैं, मैं यहाँ पे चिंग्स का मसाला, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे चिंग्स का मसाला लिया है। इस चिंग्स के मसाले में पूरे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि आपको ये कैसे जो है मिक्सचर बनाना है। तो इसमें आपको ये एक पैकेट 2
कप वाटर में मिक्स करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ थोड़ा सा वाटर डालूंगी जिससे कि मेरा जो मिक्सचर है वो इजीली पूरा मिक्स हो जाए और इसमें कोई भी गुठलियाँ ना रहें और ये जो है एक स्मूथ मिक्सचर बना दे। उसके बाद मैं इसमें अपने दोनों कप ऑफ वाटर जो है वो ऐड कर दूंगी। यहाँ पे इस बात का ध्यान रखें कि हमारा जो मिक्सचर हम जो घोल रहे हैं अभी वो बिल्कुल जो है वो उसमें कोई भी लम्स नहीं रहने चाहिए, वो बिल्कुल लम्स फ्री होना चाहिए। अब हम इस मिक्सचर को अपने स्टीम्ड वेजिटेबल्स में ऐड कर देंगे। और एक अच्छा सा मिक्स दे देंगे। अब हम इसे अच्छे से कुक होने देंगे टिल बॉयल, जब तक ये बॉयल ना आ जाए और हमारी जो ग्रेवी है वो थिक ना हो जाए। तो यहाँ पे आपने देखा है कि मैंने अपने पनीर पीसेस ऐड कर दिए हैं। अब मैं इन सारी चीज़ों को अच्छे से कुक होने दूंगी और ये हाई फ्लेम पे ही प्रोसेस हो रहा है। आपने यहाँ पे देखा कि मैंने यहाँ पे कोई भी कॉर्नफ्लोर एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया है सिवाय पनीर पीसेस को फ्राई करने के। अगर आप चाहें तो उस स्टेप को भी स्किप कर सकते हैं, डायरेक्ट पनीर के पीसेस भी आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे मैंने कोई भी सोया सॉस या कोई भी चीज़ मैंने एक्स्ट्रा ऐड नहीं की है। यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने वही ऐड की हैं जो हमारे मिक्सचर में दी गई थी, बाकी कुछ भी मैंने एक्स्ट्रा इसमें नमक तक भी ऐड नहीं किया है। तो यहाँ पे बॉयल अच्छा आ चुका है। ये बॉयल आने के बाद ही हमारी ग्रेवी जो है वो थिक बनेगी। तो यहाँ पे हमारी ग्रेवी जो है अच्छे से पक चुकी है और थोड़ी सी थिकनेस भी उसमें आ चुकी है। तो फ्रेंड्स, मेरा जो मोटिव था ये बनाने का, मैंने ये रेसिपी एक बार पहले भी ट्राई की थी। यहाँ पे मैं स्प्रिंग अनियन डाल रही हूँ फॉर गार्निशिंग के लिए। तो मेरा जो पर्पस था मेन वो ये था कि मैंने चिंग्स के पहले भी बहुत मसाले ट्राई किए हैं जैसे फ्राइड राइस, नूडल्स का, दे आर बेस्ट, उनका मैंने रेसिपीज़ भी डाली है, रेसिपीज़ अच्छी भी चल रही हैं। लेकिन चिंग्स मसाले का जो मुझे उम्मीद थी कि मेरा ये अच्छा बनेगा, वो अच्छा बिल्कुल भी नहीं बना। सीरियसली गाइस, अगर आप लोग सोच रहे हैं तो इसको मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी। मैंने यहाँ पे अपनी भी एक रेसिपी डाली है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप प्लीज़ एक बार उसे भी ट्राई करें। इसमें और उसमें ये डिफरेंस है, एक तो कलर आप देख सकते हैं कि इसमें बिल्कुल भी जो है हमें चिली पनीर वाला कलर बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, कलर बहुत लाइट है, ग्रेवी हमारी बहुत ज़्यादा थिक नहीं है। तीसरी चीज़ जो सबसे बड़ी है कि इसमें स्पाइसीनेस बहुत ज़्यादा है, जैसे कि इनके हर मसाले में होती है, बट इसमें आप सोया सॉस का या किसी का भी टेस्ट बिल्कुल भी नहीं पाएंगे। तो आप देख सकते हैं रेसिपी रेडी है बनके, स्प्रिंग अनियन से मैंने इसे गार्निश कर दिया है। तो आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरा रिव्यू ये कैसा लगा। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए, और आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर करें।